सिद्धानम् नमो आयिर्यानम् नमो वज्जायानम् नमो लोहिश विशाम नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदा देव जैन धर्मोष्टु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम् प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जेतु शासिनम् नमो निजिनम वीरम अनन्ति वर्णानि दर्शन सहावम् वोच्छामि नियम सारम् केवली श्रुति केवली वणितम् नमः समय साराय स्वान्भूत्या चकास्ते शिशो वावाये वावाये सर्ववावांतर चरिं शतीर्थे वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सभी लोक अर्षि दुर्बा बिना नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते शुक विरक्ता शुद्ध तत्वानुरक्ता तपसि निरत चेता शास्त्र संगात्माता गुण मणि गण योक्ता सर्व संकल्प मुक्ता कथम मृत वदूटी वल्लवानाश्यूरते तप में लीन है जो परिणति तप में लीन है आनंद उसमें लीन है क्षमा मर्दव आर्जव शक्ति सोच संयम तप ये कहें कि आनंद कहें सम्यक दर्शन आदि जो पर्याय हैं वे आनंद के ही पर्यायवाची नाम हैं। आनंद के पर्यायवाची नाम हैं, सुख के पर्यायवाची नाम हैं। सम्यक दर्शन अर्थात आनंद के दर्शन, सम्यक ज्ञान अर्थात आनंद का ज्ञान, आनंद जानने में आता है, आनंद की प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आनंद में मैं परमेश्वर हूँ ऐसी जब प्रतीति में आनंद आता है यानी अतिंद्रिय आनंद आता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो अतिंद्रिय आनंद ही ज्ञान का गे जानना में आए उसका नाम सम्यक ज्ञान है।
और अतीन्द्रिय आनंद में ही चरते हैं, रमण करते हैं, उसका नाम चारित्र। आनंद में चरण का नाम चारित्र है। चारित्र या संयम कष्टकर नहीं अपितु महा आनंद में है। तप कष्टकर नहीं, तप को कष्टकर मानने वाली जो मिथ्या परिणति है वो कष्टकर है। तप में कष्ट नहीं है, तप को कष्ट में मानने वाले परिणाम में कष्ट है। जिन पूजा में कष्ट नहीं है, व्यवहार कहीं तो स्वाध्याय में कष्ट नहीं है, दान में कष्ट नहीं है, भोग में कष्ट है। कष्ट में तो वे पड़े हैं जो प्रातः उठ करके भगवान के भी पास नहीं आ पाते। धन्य वे जीव जो जिनराज की पूजा करते हैं, और पुरुषार्थी हैं वे जीव जो पूजा करते हुए पूज को न रख लेते हैं। धन्य घड़ी है आज की, धन्य दिवस है आज, धन्य दिवस है आज। बहुत पुण्य चाहिए प्रभु के पास भी आने के लिए, और बहुत पवित्रता चाहिए प्रभु के द्वारा बताए हुए प्रभु के पास जाने के लिए। तो तप में लीन है अर्थात क्या, आनंद में लीन है। और लीन का अर्थ होता है जिसको सोच सोच कर वो कार्य करना पड़ता नहीं। जैसे प्राप्त पर्याय में लीन या तन्मय जीव को शरीर हूं ये घोकना नहीं पड़ता, ऐसे ही भाई सोच सोच कर प्रायश्चित नहीं लेता। आगे का चलाते, कल छह चल गए थे, प्रायश्चित में लीन है। प्रायश्चित निरत चित्ता मतलब क्या, कि जरा सा दोष लगा और कि तत्काल भाई जब हमारे घर में कचरा आता है तो कचड़ा आता है तो ये नहीं सोचते हैं कि लौकिक मानते हैं, वैसे तो मुच्छात का कचड़ा नाश करने का पर्व है, कर्मों के कचड़े के नाश का पर्व है। तो दीपावली का इंतजार नहीं करते कि दीपावली आएगी उस समय सफाई करेंगे। जिसको अपना घर आंगन पवित्र रखना है वो तत्काल उस दिन तो वो विशेष सफाई कर दे। ऐसे ही प्रतिक्रमण संध्या को करेंगे या गुरु महाराज के पास जाकर करेंगे, तत्क्षण इधर दोष लगा उधर वासा। प्रायश्चित उसकी में लीन है अर्थात क्या, वो तत्क्षण ही दोष लगते ही उसके दूर करने का उद्यमी है, दोष लगने नहीं देता है और लग जाए तो उसको टिकने नहीं देता है, और टिक जाएगा तो मिटाने का पुरुषार्थ करता है, रखा है तो खटकता है उसको। रोग जैसे शरीर का जिसे मोह है वो रोग होने नहीं देता है,
लाठी का भला बीमारी फैल रही है, ए ए ए ऐसा लगवा लेना तो पहले ही वो काढ़ा लेने लगता है, पहले ही वो औषधि लेने लगता है, जिससे उसका इन्फेक्शन मेरे पे ना हो पाए। तो पहले ही निर्दोष प्रणति रखता है, निर्दोष को भाता है कि दोष लग ना पाए। और अगर वो हो गया उसका इन्फेक्शन या वो रोग, तो क्या करता है उसको देखेंगे आराम से, आराम से देखेंगे आराम। नहीं, तत्काल उसको मिटाने का प्रयत्न में लग जाता है। तो शरीर का घातक जैसे रोग है, ऐसी आत्म घातक ये दोष है। दोषों के रहते रहते कोई महान नहीं होता है, दोषों के अभाव को पूर्व की महान हुए। और दोष निर्दोष भगवंतों की भक्ति से, निर्दोष शास्त्र के अभ्यास से, निर्दोष गुरुओं की संगति से, निर्दोष स्वरूप की भावना बहाते हुए मिटते हैं। निर्दोष भगवंतों की भक्ति में, शास्त्रों का अभ्यास, गुरुओं की संगति पूर्वक निर्दोष स्वरूप को भाते हुए दोषों का अभाव होता है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रचुर स्वय संवेदन ही प्रायश्चित है। प्रचुर रूप से निर्विकारी परिणति के होने का नाम प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित निरत चित्ता, आगे बोलो, बिने निरत चित्ता। बिने निरत चित्ता मतलब क्या? तप के भेद है अंतरंग तप। कल अपन ने कौन सी चर्चा की थी? बहिरंग प्रायश्चित है, अनशन ऊनोदर की थी ना। बिने निरत चित्ता मतलब बिने में लीन है, बिने में लीन है मतलब उसके हाथ जुड़ जाते हैं। व्यवहार बिने की बात कह, उसके योग्य वचन निकलते हैं, उसकी योग्य चेष्टाएं होती हैं, उसको कहना नहीं पड़ता चिरमानी के सामने बिने से बैठना, उसको कहना नहीं पड़ता जिनेंद्र के सामने झुकना। अरे जब प्रधानमंत्री के सामने जाता है तो ऐसा थोड़ी खड़ा रहता है, ऐसा खड़ा हो जाता है, उसको लगता है यहाँ कुछ मिलेगा। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव, इंद्र भी जिनके सौ शरण में ऐसा हो जाता है, सुना प्रवचनों में, जैसे उत्तरांच जाति का रहता है ना, उसका पिल्ला ऐसा बैठा है, ऐसा इतना विनत होकर के गणधर इंद्रादिक जिनके नाम को धारण करते हुए धन्य मानते हैं। गणधर इंद्रादिक जिनकी, पहला अनंत भगवान के बोलना, गणधर इंद्रादिक जिनको स्मरण करते हैं, पूजते हैं, ऐसे अरंत परमात्मा गृहस्थपना त्याग कर वाला है ना, सुना, गणधर इंद्रादिक द्वारा बननी। कहने का बिनत निरत चित्ता मतलब क्या? उसकी तो ऐसा है ही, उसको एकदम व्यवहार बने की बात कर रहे हैं। क्यों? जहां परमार्थ विनय होती है वहां व्यवहार विनय होती ही होती है, और व्यवहार विनय भी नहीं है तो परमार्थ कभी नहीं होगी। जिसको इन भगवंतों के प्रति ही जिसको विनत परिणाम नहीं है, वो स्वरूप में विनत क्या होगा? ध्यान रखना भाई, जहां पर मिगी है, जिसमें मिगी है उसमें छिक्कल तो है ही है। कली पंडित साहब का सुन रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि मिगी हो आ जाए और छिक्कल ना हो। पहले क्या आता है? पहले सुरक्षा यंत्र आता है उसका, क्या
छिक्कल आता है छिक्कल। हाँ कदाचित ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है। कैसा दीपक है? छिक्कल कदाचित बढ़िया बन गया और मिगी ना भी हो, एकाध एकाध मूंगफली में कभी कभी वैसा ही निकले आता है, वैसा ही नहीं निकले। बोलने की जरूरत नहीं हमें, इधर से इधर बोलें तो अच्छा है, थोड़ा समझने की कोशिश। समझ में आया ना? ये जो मिगी मन ओ, तो ऐसे ही जहां परमार्थ बिना होगी वहां व्यवहार बिना होगी होगी। जहां परमार्थ जिनेन्द्र पूजा हो रही होगी वहां व्यवहार आएगा ही आएगा। केला कैसा होता है सोरा? अरे छिलका सहित तो होता है यार, रंग बताओ भाई, भाई पीला होता है, सफेद होता है, सही है, दोनों सही है। पीला होता है खरीदने समय, सफेद होता है सेवन के काल में। समझने के काल में ये सब व्यवहार है और समाने के काल में इसको भी उठा दीजिए। जेऊ जहाँ साधक है तेऊ तहाँ वादक है, वहां की राग देश की कथा की कौन बात है। जब बाजार से लाओगे तो पूरे बाजार में घूम आना दीपक जी, केला तो सफेद होता है, पूरे में घूम आओगे मिलेगा ही नहीं है? लाओगे पीला खाओगे सफेद। समझोगे दर्शन ज्ञान चरित्र से और समाओगे तभी भी इस विकल्प चले जाएंगे। और एक और से देखा जाए तो वो छिक्कल को तू खाने लगे तो पशुवृत्ति तेरी है, छिक्कल का कोई दोष नहीं है। छिलके ने तो सफेद केले की शुद्धता सुरक्षा रखी है, और नहीं तो वो समझे दीपक जी ने जानते हैं कि केला सफेद होता है, तो अगर वो बाजार वाला भी समझे सब लोग सफेद केला मानते हैं, कल है क्या घूम घूम के चले जाते हैं, उसने निकाल निकाल के छिक्कल फेंक दी, रख दिए केले निकाल के सफेद वाले रखे, खरीद के लाओगे कि नहीं? क्यों समझ तो कह रहे सफेद, अब सर आप खरीद के क्यों नहीं ला रहे? बताओ भाई तुम्हारे तुम्हें उधार है। अरे स्वाद तो ठीक ही है, उसके गंदे हाथ लग गए, मक्खियां बैठी होंगी कि ना, ऐसा हो रहा है। बोलो ऐसी प्रभु के दर्शन के बिना, स्वाध्याय के बिना, प्रभु के निकट आए बिना तेरा परमार्थ भी मलिन हो जाएगा। कर्म आया कि नहीं? इससे कोई व्यवहार से परमार्थ हो जाएगा ये नहीं कह रहे हम, समझ में आया कि नहीं? पर उस व्यवहार ने तेरे परमार्थ की सुरक्षा और शुद्धता रखी है, वो सेवन लायक हो जाएगा, नहीं तो निश्चयवासी का सफेद हो जाएगा। अरे शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। विनत लायक विनय मतलब क्या? स्वरूप में झुकने का नाम विनय। और अकड़ा खड़ा है जनवाणी के सामने, तू नहीं जानता बातें करता, तो पंडित जी साहब कहते हैं कि आत्मा का दर्शन, पंडित जी मतलब टोट रमल जी साहब दो को बोलते हैं हमें अधिकतर याद आते, तो एक तो बड़े पंडित साहब टोट रमल जी का नाम आता है अधिकतर मेरा, और नाम वर्तमान में जिनके साथ में रहता हूँ बड़े पंडित जी का, तो पंडित जी साहब कहूँ ना तो टोट रमल जी को भी याद कर लिया, मोक्ष मार्ग का सा कल्याण बोलूंगा। पंडित जी कहते हैं, पंडित साहब कहते हैं
कि आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। बोले बराबर है, है? तो बोले मैं तो चेतन हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ऐसा हो रहा है। तो बोले देवगुरु धर्म के श्रद्धान के बिना, तत्वार श्रद्धान के बिना, सुपर वेद विज्ञान के बिना आत्मा की बातें करता है तो रमल जी साहब क्या कहते, पंडित साहब क्या कहते हैं, चतुराई की बातें बनाता है। देखो देवादिक का ही ठिकाना नहीं है, उसको आत्म दर्शन कहां से हो। शब्द थोड़े बदल सकते हैं, मानो हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, मूल से मिलाया करो। ये हम कहकर इसलिए कहते हैं कि आप मूल से मिला लेना, समझ में। ये शब्द तो मूल के ही है, चतुराई की बातें बनाता है। क्या भैया आज पूजा कहा निकले, हम तो पूजा देख रहे थे ना, चतुराई की बातें बनाता है। वहां पर बैठा बैठा तेरी पूजा हो रही है, हम स्वाध्याय, आप तो बैठ गए थे हम अंदर में, तो देर हो गई, चतुराई की बातें बनाता है। तेरी भूमिका में इतनी विशुद्धि अभी नहीं हुई है। ये जो ये विशिष्ट भूमिका वाले जीव, हमारी भूमिका तो ऐसी नाजुक ही है, क्या करें। बिना लकड़ी के चलोगे तो गिर जाओगे, व्यवहार लकड़ी के समान है, अस्तावलंबन समान है। व्यवहार प्राश्चित, व्यवहार विनय, व्यवहार स्वाध्याय, व्यवहार वैयावृत्ति, व्यवहार विसर्ग जिसो विकल्प आत्मा, व्यवहार ध्यान, ये तुम्हारे लिए परमार्थ के लिए ले जा। पसी निरज ये तुम्हें भूमिका बनाएंगे। भाई शिखर जी की यात्रा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इनने कहा हैं, इस साल के सत्संग के साथ से थोड़ी लगेंगे लकड़ी लेके जाते हो, और जब गिर पड़ोगे तब, अगर इतनी ताकत है तो चले जाओ, और ताकत नहीं है बिना लकड़ी करते, लकड़ी से करते, बिना लकड़ी के भी करते होगे तुम लोग, तो ताकत वाले हो। लेकिन बल नहीं है तो लकड़ी लेने में शर्म मत करना, क्योंकि अभी लकड़ी लेने में शर्म करोगे और गिर पड़े खाई वाई में तो प्राण ही चले जाएंगे, वो थोड़े वो गड़े तो फ्रैक्चर हो जाएंगे, दो लग जाएंगे और यहां लग जाएगा। इसलिए हे प्रभु, जब तक ना होई निजी दरस मुझको आपके दर्शन मिले, शब्दातीत न हो तब तक वाणी बस थारी सुने, आइस परेसी को न परसु तब तक चरण मत छोड़ा देना, ऐसा पापे उदय न आए भगवान जब आप हमको मिले ना। मैं कुछ भाई का ना हो ये स्वामी कभी दुखी नहीं होऊंगा, यदि आप छूटे नाते तो मैं कभी नहीं जी पाऊंगा, चैतन्य की मैं धुनी लगाता चरण आपके ही है, छायक को भी मैं बिन लाखू कृपा बस थारी ही है। भगवान ये जो विशुद्धता है आपके श्री चरणारविंद का ही फल है, सब छूट जाए, जगत छूट जाए, छूट जाए, और ऐसा काल ना आए कि तारी पूजा छूट जाए। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा उदय ना आए, ऐसा प्रमाद ना छाए, ऐसी परिणति ना हो,
करोड़ों अरबों की संपदा छूट रही हो, छूट जाए, पर आपका प्रवचन न छूट जाए। प्रभु ये हमारी संपदा है, यही हमें आत्मिक संपदा को देने वाली है। अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। प्रभु के सामने जाते ही अति पुण्य उदय माम आयो। हम तो पूजा कर रहे हैं, हम क्या कर नहीं करी है? प्रभु थारो दरे सन पायो। कम से कम खिन्नता तो वर्ते, अरे धिकार है यार, हम देर कैसी हो गई, हमें धिकार है इस प्रमाद को, धिकार है इस रोग को, धिकार है इस अवस्था को, और आपकी खिन्नता वर्तेगी ना तो फिर आपके ऐसे दो खोटे काल खोटा समय कभी नहीं आएगा प्रभु के प्रसाद से कि जब आपका ये छूट जाए। व्यवहार बिना है। चक्रवर्ती प्रभु के सामने जाकर के झुक गया है, मुनराज के चरणारविंद में झुक गया है, और तृप्त तृप्त ऐसा झुका अष्टांग झुक गए, और वहां की भूमि धूल पड़ी थी और सिर की तरफ तो गीली हो गई, समझ रहा है? कैसे गीली हो गई हैं? आज मिले आप, इतने दिनों से हमारी भावना थी धन बागी जब दर्शन पाऊं दिन की बलहारी बेमुनिवर कब मिली है वो पुकारी। चक्रवर्ती आकर के जाओ जनार्दन में झुक गया है, मंत्रीगण देख रहे हैं, देखते देखते लग गए पूरी धूल जड़ाने लगे, मंत्रण जड़ाना हो तो इस धूल को जड़ा दो जो भगवान से दूर मुनराज से दूर करे, मुनराज के चरणों की धूल मिली है ये तो हमारे सौभाग्य है, ये तो हमें सौभाग्य है। आज तो हम हमारी कई बहनें मंत्रों की भैया वृत्ति करती है, छोटी सी बहना बोले भैया धूल लग गई पूरी, हमने कहा बेटा ये सौंदर्य प्रसादन है तो दूर से तो उधर की कत लग आ रही, तो बात तो सच्ची लग रहा है बेटा, छोटे छोटे बच्चे रहे थे भैया जी धूल लग गई, अरे झड़का कर रहे हो, सौंदर्य प्रसादन है, भगवान के चरण मंदिर की धूल मिल गई, कहाँ मिले? एक राजा जाकर अपनी मंदिर की सेवा, और राजा स्वयं मंदिर में जाकर के झाड़ू लगा रहे कि महाराज है जंगल के स्थान पर जहाँ पर लोग मुनराज ने कहा उसकी झाड़ू लगा रहे, ए महाराज ये आप क्यों लगा रहे, और किसी से लगवा देंगे, इस वान संतों के पवित्र आत्माओं की चरणों की रज हमारे मस्तक चली जाती, विनय ने मतलब ले जाना भी मतलब विशेष, अपनी परिणति को अपने ज्ञायक भाव के समीप ले जाना ही परमार्थ विनय है, और ज्ञायक भाव को दिखाने वाले नए धातु होती है ले जाने के अर्थ, इन भगवंतों के समीप लाना इसका नाम व्यवहार विनय है, लीन है ना, उसको उसको विनय करना ना नहीं पड़ती है,
जिसको विनय कराना नहीं पड़े, जिसको लग रहा है कि इसकी विनय करने से मुझे 1 करोड़ मिलेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ता है, अरब मिलेंगे, ऐसे हाथ जोड़ते हैं उसके और ऐसा वो हो जाता है। और नेतन के सामने कहीं माला डालेगा, कहीं स्वागत करेगा, कहीं कछु करेगा, जो खाने पीने वाले उल्टे सीधे, जिनकी न्याय नीति के कोई ठिकाने नहीं। मनासी दास जी ने लिखा ना, एक दिन मैं उदाहरण दे रहा था, नार किन के पैर पूजे जे, नेता वेता कौन है? हैं, हमें क्या जरूरत है इनके पैर पूजने की, हम तो 3 लाख के नाथ के सामने बैठे हैं। आवाज सुन लो, भक्ति आ रही है, मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ ऐसा रटके तो वैसे आता रही, जो मेरे हृदय में रहता वो निकलता। वृंदावन दास जी हैं, कुछ ही झूठा शांत जोश लगा दिया, ऐसे किसी का लगा दिया, क्या कर दिया, बस पकड़ करके उनको ले गए, जेल के अंदर बंद कर दिया। अब जेल के अंदर बंद कर दिया, भला से मिल लेना, ऐसा कर लेना, ये हो जाना, अरे कैसे मिलना, कौन से मिले, हम तो उनसे मिलेंगे हैं, जिनसे मिलने पर ही विपदाएं कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी पूजा के काल का क्या होगा, स्वाध्याय के भक्ति का काल का क्या होगा, क्या होगा, शरीर से जो करें उनको कुछ होगा, हम तो शरीर ही से करते हैं, शरीर उड़ता जा पड़ा है, वह पड़ा रह रहे थे, अब तो पहुंचते हुए भगवान के पास, और पूरे बंधन बने हुए हैं और बैठ गए भगवान की भक्ति करने के लिए। जब योग बना सेव साधन का, तब विघ्ने कर्म ने अटकाए, जब योग बना जिन पूजा का। वो लड़का बोला, अब हमें छोड़ के आना पड़ेगा स्कूल, आज हमारी गाड़ी छूट गई, विघ्ने कर्म ने अटकाए, समझ में आएगा, तुम्हें विघ्न हमारे दूरे करो, सुखदेव निराकुल घटकाय। ये तो परमार्थ की बात है, विघ्न कर्म ने हटकाय मतलब क्या, कर्तत बुद्धि ने हटकाय, वो कृत बुद्धि ने हटकाय, ममत बुद्धि ने रोकाय। अरे शरीर में एकत्वादी बुद्धि और तुझे रोक रखा है, विघ्न हमारे दूर करो, एकत बुद्धि हमारी दूर करो। कबों पढ़ने वालों ने विचार नहीं किया वो इसका अर्थ, क्यों उसमें ये अर्थ है, विघ्न का हमारा दूर करो, सुख देव काय का निराकुल घटका, मेरा निराकुल घटका सुख दो, भग्न हो गए। वो आया, इनका न्याय करना है, बड़ा व्यक्ति को मिल बुला करके बोले, बात करते हैं अपन जाकर, क्या बात है, कैसे आ गए? बोले कुछ लोगों ने जाके कहा, तो वो खजानची थे, तो आया मिलने के लिए, बात करेंगे जाकर के, और वे गए, वे तो मग्न थे भगवान की भक्ति में, खजानची बाबू, खजानची बाबू, खोला हमने, भगवान जी बाबू भे नहीं बोले भगन, सोचो तुम क्या करते हो, ये बड़ा आदमी आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, वहां काम बनाने के लिए सब बात कर ले, बोले कुछ नहीं, हो गए हमारे, बस बैठे अपने कुछ नहीं देखी, नहीं नजर नहीं करी, जे भगवान की भक्ति में ऐसा व्यक्ति मग्न, ऐसे व्यक्ति से अपराध कैसा हो सकता जो हमारी ओर नहीं देख रहा, क्यों कवा थी, तो हम तो बात ही नहीं करी तुमने, हम तो बोले आ रहा है पूरा करके, काय गवात है, बोले बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, अरे सब लोग सोच रहे, जी लोग सोच, हम तो सोच रहे थे कि एक बार बात हो जाती तो निकल जाता, जिस तो बड़ा वो कलेक्टर विलेक्टर ले ला के आओ उसके लिए बड़ा आदमी, और वो बात करने गया और जेल में खुद हमारे भैया पंडित जी भी वैसे हैं, थोड़ा सा आप बात कर लो जा करके, तो हमने कहा बात क्या वही थी, वो बात थोड़ी कह देते अभी निकल जाते, सब ही निकल जाते, ऐसे हो जाता जी हो जाओ, बात ही नहीं करी उन्हें इतने लोग ही नाश से बात कर रहे हैं, काके जी बातें करने लगे, भैया मंदिर में बैठते हो इधर उधर से बात करने लगे, भगवान का भी ने कर दिया कौन है त्रिलोकी नाथ से बड़ा यहाँ पर,
व्यवहार भी हमें आवश्यक। हम तो कहते हैं ना, हमारे लिए जो जरूरत होती है वो हमारे स्वाध्याय में ही मिलता है। जब वह बाहर आए और आकर के, क्यों भाई कहाँ थे, बोले ही नहीं आप तो हमसे। अरे साहब, मैं अभी भगवान से बातें कर रहा था। भगवान मंदिर में था कि मंदिर में कहाँ थे तुम? अपने जेल में डाला है जिसको जेल में डाला है उसको, हम तो मंदिर में थे, भगवान के पास बैठे थे। है ये सब व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है? वो पूरी घटना, इतनी घटना मुझे सुनी थी बड़े पंडित जी के मुख से, पूरा खोजूंगा क्या बात थी। है तो कुछ नहीं, जाओ आज से आपकी छुट्टी लिख दिया। अब वो चक्कर एक महीना की आपको उन्हें सजा सुना दी है, तो करना कुछ नहीं है आपको, सब माफी कर दी। थोड़ा सा एक विकल्प है, बोले क्या कि ये बढ़िया खटिया, रात को हमने तखत लगा दिया इधर, दिन भर खूब आप अपनी भजन करो, भक्ति करो, जब सोवे को समय आए यहाँ आके सो जाया करो, सुबह उठ के चले जाया करो। समझ आए कि मारो वो यही रहो, ये करो, बाकी जगह रात्रि भी आके जी लगवा दिया है, बस इतना सा जो रखो, बाद बाकी पूरे दिन रहो, रात्रि में आकर यहाँ सो जाओ। वो भी दो चार दिन ऐसा कुछ बताया उन्हें, उसके बाद कुछ नहीं। अरे भाई, बिना मतलब जिसको हर समय अपने परमात्मा याद आते हैं, लीन रहे, मतलब उसका अर्थ क्या है कि उसको सोच सोच कर प्रभु को याद करना नहीं पड़ता है, परमात्मा को याद करना नहीं पड़ता है। मेरो मंत्र तुम्हारो नाम, मेरो तंत्र तुम्हारा नाम, मेरा यंत्र तुम्हारा नाम, धनंजय कवि का पुत्र पड़ा है, और धनंजय कवि से लोग कह रहे हैं उठ जाओ महाराज, पत्नी आई, क्या करते हो है? और वे बोलो भाई चलो कि वैद्य के पास खड़े हैं, हम कहाँ जाए, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो ये बड़े भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और पूजा करते करते पर किसी ने आकर सूचना करी के वहां क्या करो महाराज, पंडित जी बड़ी आपत आ गई, घर पे पूजा कर रहे हो, बच्चे को सर्प ने खा लिया, इकलौता पुत्र, अब बोलो सोरा कोई भी बोलो भैया जिनका वो है। अब वो इकलौता बेटा, 8-10 साल 11 साल का बेटा, कैसे लालन पालन किया, गृहस्थी जानते हैं, और सर्प ने खा लिया पण, और फिर पूजा नहीं कर रहे थे। अब पूजा के बाद में अब जैसे मान के जल चढ़ रहा हो देवसाद गुरु वाला, तो क्या करोगे? देवसाद गुरु वाले सदैव मम पढ़ने में आदर्श रहो, बोलो क्या करोगे? अरे या तो वही कहोगे चलो भैया बाद में करें, भगुदा जीव तो उदा के चंदन तंदन पोस को भगवान के विराजमान है भगवान जी का, और निकल जाए। और अगर थोड़ा लगेगा भी विकल्प तो इतनी स्पीड बढ़ेगी, अभी स्पीड बढ़ जाती बिना कारण के, तब का कहने लगे यहाँ आकर के। इसलिए तो कहते हैं कौन किसका फोन आ रहा है, हम कह रहे हैं देखो भाई तुम्हारी विकल्प रहते बात अलग व्यवस्था है, समझ में आया? जिन मंदिर का कार्य, किसी को कोई कार्य है वो बात अलग बात है, हम तो यहाँ एक सामान्य प्रेरणा दे रहे हैं। सिद्धों का फोन आ जाए तो उठाया करो, समझ में आया? सिद्धालय से आ जाए बात, बाकी हम सब सड़व भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अभी हमें कछु नहीं। हाँ ओ समय का विकल्प का हम क्या बैठे जान, तो इस ऐसी विनय और ऐसा समर्पण न होने से शुद्धि तो छोड़ो विशुद्धि नहीं हो पाती। शुद्धि तो इस विशुद्धि से भी पार, इसको भी आचार्य भगवान बंद का कारण कहते हैं, इसको भी उपाधेय नहीं कहते हैं, उपाधेय तो चैतन्य को कहते हैं, उपाधेय अपनो अप्पा कहते हैं। तो इससे भी वेद ज्ञान करता हुआ जीव जब चैतन्य में जाता है तब शुद्धि प्रकट होती है, मन शुद्ध उपयोगी होता है, निर्मल परिणति होती, विशुद्धि नहीं आई है अभी, तो शुद्धि कहां से आ जाएगी? कोई उदाहरण दे रहे थे क्या? गुली हुई है उसके अंदर में, तो हाँ धनंजय कवि
पूजन बस करते रहे सहजता से। आश्चर्य की बात है, पूजा तो करते रहे और स्त्रोत पढ़ने लगे। अब तो ये सोचोगे शाम को पढ़ेंगे स्त्रोत, स्त्रोत पढ़ने लगे नहीं रचने लगे। नया स्त्रोत उनसे पूछो, नई रचना लिखने वालों से, कि कितना विशुद्ध चित्त होता है तब वो रचना लिखी होती, और नहीं तो लिखी होगी तो जय लिखी होगी, हे भगवान पुत्र सही हो जाए, विषम दूरम करोती, विषम दूरम करोती, 10-20 लेटर में जी जी आएगा। तो उठा के पढ़ लो विशापा। जिन सत्पुरुषों ने समय सार पर प्रवचन किया है, उनने विशापार स्त्रोत पर प्रवचन किया, मतलब कितना कितना गहरा होगा हो, वो गहरा किस समय लिखा है, ऐसी स्थिति। स्वामी जी ने विशापार पर प्रवचन किया, मतलब हमने तो एक दो बार हमने भी अर्थ बैठ करके उसकी चर्चाएं की है, एक ही बाप का विशापार की। बड़े गहरे स्त्रोत हैं, बहुत गहराइयां छिपी हुई हैं, पूरा पढ़ते पढ़ते हम चले गए, हमने देखा तो सही कहीं कुछ नहीं। और ऐसी स्थिति में जब पुत्र पढ़ाया, पत्नी को जब लगा बताओ, आज तो ये हो रही मग्न हो गए, कछु खबर ही नहीं, अब क्या करे हम ना, तो बेबी परेशान बेचारे, क्या करे, रात की भूमिका में अब कोई सहायक है नहीं, घर पर कोई दूसरा था नहीं, अगर परेशान हो गई। आखिर को उठाया पुत्र, वेदी के सामने ले जाकर करो वक्त किया, तो भी ऐसे नहीं देख रहे, क्या हो गया, मुंह से विष जर रहा है, और वे तो मणियों सदिरा साण मंत्र जो हो ये सुलक्षण, ये सब तेरे नाम शुभतियों मन धरिए, ब्रह्मते अपर जन व्रता नाही तुम सुमरन करी, देरो मंत्र तुम्हारा त्रिलोकनाथ को छोड़कर कहाँ जाना, और अरे भक्ति मग्न रहे। और पूरे स्त्रोत के अंत में ई विधि बहु परकार देव तब भक्ति करी हम, हे भगवान मैंने इस प्रकार से आपके बहुत प्रकार से भक्ति की, जाचू वरण कदापि दीने होए राग रहित तुम, मैं कायर नहीं हूं भगवान, आप राग रहे तो जाचू वर, हिंदी जानबूझ के हिंदी पदानुवाद बोल रहा हूं, आपको भी पकड़ में आता जाए, जाचू वरण कदापि, मैं आपसे वर नहीं मांग रहा हूं, दीने होए दीन होकर के राग रहित तुम, क्योंकि आप तो, मैं आपके सामने वितरागता मांगूंगा हैं, और फिर क्या बोल गए देखो, छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे वे है, फिर छाया को या चतया में प्राप्ति कोय है, गड़बड़ है कि नहीं है, छाया बैठत भाई वृक्ष के नीचे छाया बिना मांगे मिलेगी, और वृक्ष से दूर होने पर छाया मांगने पर भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही इन परमात्माओं के चरणारविंद में सुख है, बिना याचे बिना मांगे मिलेगा, और इन परमात्माओं से दूर रह करके मांगने पर भी नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? छाया बैठत सहज वृक्ष के नीचे हुए, मुझे क्या छाया वह चाहिए, भगवान को छत्र मत चढ़ाओ, भगवान की छत्र छाया में रहना सीखो, मत चढ़ाओ कार्य नहीं कह रहे, चढ़ाओ मत ये नहीं कह रहे, कई एक वो दो 20 रुपया का छत्र आपने लगा दिया, ओसरे निकाल के दूसरे ने लगा दिया, कि हम छत्र टांग आए, अच्छे छत्र कहाँ टांग आए, तुम्हारे छत्र सदा रहे, क्या रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भगवंत की छत्र छाया है, भगवंतों की जो आज्ञा है उसको सदा हमारे शीश पर रहे, तो भगवान की छत्र छाया है हमारी,
बंदे जी में छत्र नहीं लगाओ, ये बात हम नहीं कह रहे, ध्यान रखना, आचल मत ग्रैंड करना। हम आओ इब्राहिम है वो पड़ी आती, वो है अतिशय चेत्र है, और तुम जाओ और वो लगा दो एक छत्र, तुम्हारा काम हो जाएगा। जे मिथ्या को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो महावीर जी जाएंगे, हम छत्र टांगे आएंगे, छत्र लगा देंगे, भैया कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपया उसने रसीद काटी, 50 काटी, और जल्दी वो टांगा उसने, ऐसा जल्दी से खड़ा ये सीधी उसने, वो निकाला, फिर वो दूसरे ने टांगा, भगवान महावीर की छत्र छाया में रहना सीख जाओ। एक जगह तुम 100 छत्र टांग रहे हो और एक जगह प्रतिमा पे एक ही छत्र नहीं है, तुम क्या समझ रहे? ये तुम्हारी भक्ति है? हम जरूर भैया जी, हम पूरे साल भर में महावीर जी जाते हैं, अच्छी बात है जाते हो, मन नहीं कर रहे, परंतु अपने महावीर जी के दर्शन करने नहीं आते। नहीं, वो महावीर भगवान की पूजा हो गई तब तक एक भगत बोले हमारे संग, वो चादनपुर वालों को आर्ग चढ़ना, इनकी बी अलग है ये अलग है, इसे अर्घ का क्या मूल्य है? हमने अर्घ चढ़वा दिया, चढ़ गए साबु पूजा में, इसलिए बहुत कम सामूहिक करते हैं, हम अपनी अलग करते हैं। हम सामूहिक भक्ति करवा लेते हैं सब लोग साथ बैठ करके, क्यों? हमें अपना रस बनाना है, हमारी पूजा, हमारा स्वाध्याय, हमारा ये सब अपने लिए, हमारे आचार्य कहते हमें जो रहा जैसा है वैसा कहेंगे हम, तुम्हारे अनुसार नहीं, हम तो अपने ले। वो चांदनपुर वालों का अर्घ तो चढ़ा नहीं, हमने कहा भाई साहब चांदनपुर वाले महावीर भगवान अलग है ये अलग है कि नहीं? नहीं वो ठीक है, ठीक है, ये लगता है कुछ बढ़िया, वहां पर यहां लेन लगाएगा, मत दर्शन करो, लेन मत लगा, हमें नहीं कह रहे, ध्यान रखो, लेकिन है हमें तो वक्त वहां लग रहा है बहुत वैसा, तो वो एक अपना 13 पंथ वाला सुद्धाम नाय वाला मंदिर है महावीर जी में है ना, वो कौन भाई जी का, हाँ हम देखा द्वारा, हम वहां जाके 2-4 घंटा वहां बैठे, वहां करिए हमने अपनी भक्ति स्रोत पूजा जो कुछ, अगर अरे तो महावीर जी आप बातों में भगवान, इतनी भीड़ लगी वहां कैसे करे भाई, दर्शन करे यार। कहने का तात्पर्य है जो तेरी मिथ्या, ये मत सोच के यहां से चमत्कार हो जाएगा, धर्मात्माओं की भक्तियों में से चमत्कार निकले तो चमत्कारों की भक्ति करता है, उनकी तो भक्तियों में से, और जब ये मांगे हैं तो क्या बोले हैं? बोले क्या है उस समय जब वो बोले कि महाराज मुझे कुछ नहीं मांगना, तो मान के भगवान ये कहते हैं, टीकाकारों ने लिखा उसका जो लिखा हिंदी में कि नहीं नहीं धनंजय तुमको मांगना तो पड़ेगा, अब इतना अच्छा स्त्रोत तुमने लिखा है तो तुमको मांगना तो पड़ेगा, तब जानते अंत अंत में क्या बोले, हमने सोचा अब तो मांगेंगे कि बेटा सही हो जाए, भगवान हमारी लज्जा रख लो, लाज रख लो, अरे प्रभु कितना बल होगा उनके अंदर, हम तो वास्तव में उनकी विनय और भक्ति की अंदर से सोचते, हम खड़े हो जाए तो हमें लगता है कि हम मिल जाए पूरे के पूरे है? जब वो मतलब पड़ा है, अगर देवी छूट जाए छूट जाए, उसमें गए पर न मने, तुम ज्ञानी कहती है सहज परण मन हुआ है, तुम कहते हैं चमत्कार हुआ है, विषापार का चमत्कार पुत्र ठीक हो गया ये नहीं है, विषापार का चमत्कार पुत्र अपना नहीं लगा ये है, ये भक्ति का चमत्कार था कि विष जराता हुआ पुत्र पर नजर नहीं गई और त्रिलोकी नाथ को देखते रहे और चैतन्य देव को देखते रहे, ये चमत्कार था, समझ में आया कि नहीं? इसका नाम था विषापार का चमत्कार। और अंत में वो बोले तो क्या बोले, यदि कछु इच्छा हो देनी की तो उपकारी करो बुद्धि ऐसी, यदि कछु इच्छा हो देनी की तो उपकारी
दो बुद्धि ऐसी करू प्रीति सो भक्ति तिहारी, करो कृपा जिंदे वे हमारे परिवय तो से सन्मुख अपनो जाने कौन पंडित नहीं पोते। यदि कछु इच्छा होए दैन की तो उपकारी, हे परमात्मा आपकी कछु इच्छा ही हो रही है देने की है? अगर कछु इच्छा भी है तो फिर वैसा तो इच्छा है नहीं कछु हम जानते, लेकिन इच्छा है तो कह दे दो बुद्धि ऐसी करू प्रीति सो भक्ति तिहारी। हे प्रभु ऐसी मेरी बुद्धि हो कि मेरे अंदर से आपकी भक्ति, आपका बहुमान, आपके द्वारा बताई हुई ज्ञायक भाव का रस ये न छूटे, लड़का तो चला जाएगा अभी भक्ति में अंतरा ना आ पाए। दो बुद्धि ऐसी मानो ये मैं आपकी भक्ति करूं, मतलब क्या आपके द्वारा हुआ बताया हुआ वस्तु स्वरूप का विचार करता रहूं, इसका नाम है भगवान की भक्ति। बी गुणेशु अनुरागा भक्ति है, तो रागेशु अनुरागा नहीं है, बीत रागेशु अनुरागा, क्योंकि भगवान का गुण है क्या, तो सरल है भक्ति का विषय है। भगवान का गुण क्या है, वीतरागता सर्वज्ञता जय ज्ञानी अनंत अनंत मृग सो कबीरज वंडित। अरे ब्रो, अरे गुणेशु अनुराग भक्ति, मन मैं आपके गुणों का अनुरागी बना रहा हूं, यानी मुझे आपकी वीतरागता प्रिय लगे, सर्वज्ञता प्रिय लगे, आपके द्वारा बताया वस्तु स्वरूप प्रिय लगे, कोई भी स्थिति में हो परिग्रह अच्छा ना लगे, आकिंचन अच्छा लगे, जगत अच्छा, संसार अच्छा ना लगे, समय सार अच्छा लगे, गुणेशु अनुराग भक्ति। परमात्मा मैं आपके परमार्थ गुणों में मग्न रहूं, इसका नाम है विनय में लीन। हाँ विनय चित, अब क्या कहे अब आपसे यार, अब उसका जब पेटा खोलो ना, अंदर गहरे में जाओ ना, तब ये निकले लीन चित्त लीना। और इधर भी तो अगला रख रहे हैं, करो कृपा जिन देव हमारे परिवय पोते, सन्मुख अपनो जान कौन पंडित नहीं पोते। कह अगर अपने सन्मुख याचक को खड़ा देखे तो कौन उससे नहीं कहे, अब तो त्रिलोकी ना, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। जब आपकी भक्ति मिलेगी तो का ना मिले, समझ में आया कि नहीं। सीता कह रही है राम है तो मेरा सब कुछ है, और राम नहीं है तो कुछ नहीं। सीता जिनराज है, कभी मत सोचना यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पंडित जी का प्रवचन मिलता है भाई हमेशा, इससे बड़ा सौभाग्य कोई होगा नहीं, और इन प्रवचनों का अनादर करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई होगा नहीं। या तो शुद्ध योगी होके बैठे हो तो धन्यवाद है। क्यों कहाँ कहाँ तीन तीन बार समय सार, कौन तुम्हें समय सार कराएगा, तुम्हारे कोरस की वो क्या समझाएगा है? कल की भाषा याद करें तो ऐसो समागम पाए प्रसन्न न हो तो पुण्य जलाते हैं। है कि नहीं, तुम धर्मात्मा को देखकर तुम्हें प्रसन्न नहीं हो रहा है तो पुण्य जला रहे हो, मंदिर देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे तो पुण्य जला रहे हो, रता उठ करके तुम्हें कोई आ गए, हम जैसे आदमी हम तो आजाद कम है वैसे, अभी यहाँ नहीं है, जब अनुराग बढ़ जाएगा तो ऐसा भी हो जाएगा, भैया क्या कर रहे हो, उठो है हम कहा कि अभी क्यों रुके, बाबा जी हमारे घर आई हो, तुम गई हो, हम सोई हैं, ऐसा थोड़ी हो पर आज हमारे ब्रह्मचारी बाबा जी लोग बोल देते थे हमारे घर आई हो, तुम गई हो और हम
दो ये है तो नहीं हो सके। हटो भाई चलो, प्रसन्न ना हो तो पुण्य जलाते हैं। भगवान मिल गए, जिनवाणी मिल गई, समयसार मिल गया, हमें पवित्र समागम मिल गया। ग्याय 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 की धुनी और वार्ताएं मिल गई, पुण्य जलाते हैं। संसारी जीवना, अरे रे हमें समयसार मिल गया, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, काय के करता नहीं है, ऐसे देखो पुण्य जलाते हैं। पकड़ में आया कि नहीं है? बस वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न तो करे नहीं, और कहीं ऐसे करता थोड़ी होता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो कौन चला तू, ऐसे हो देखो यहाँ पेट्रोल से गाड़ी चले तो डिब्बा में पेट्रोल चल भर दो, चलना चाहिए उसे। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मत समझो, हवा से झंडा नहीं ले रहा था दवा खराब हो गए कुछ लोग समझ रही है, लोग क्या क्या कहते रहे, अरे वो लहरा रहा है अपनी योग्यता से, समझने का प्रयत्न करते हैं पुण्य बढ़ाते हैं, और अहंकार करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं पुण्य जलाते। समझो उस वस्तु स्वरूप को, और ध्यान रखना कि धर्मात्मा के पास अपना समाधान लेकर के शंका लेकर के गए हो तो ये अपेक्षा बिल्कुल मत रखना, वो आपके अनुकूल बोलेगा, वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल बोलेगा। समझ में आया? निर्लोभी वक्त निशंक होता है वो, नहीं उसको नहीं डर काय का भय, उसको किसका भय। अगर आप पूछते हो तो समझ के पूछना, कोई लोभी वक्ता होगा ना, मानी होगा, बिना आदे का लोभी होगा तो वो चाहे से बोल जाएगा, परंतु जिसको जिनाज्ञा भंग करने का वह, और जिसको सामने वाले का हित करने का भाव है, वो जो होगा वो सत्य बोलेगा कि साहब राम क्या करें भैया, वो आपकी समस्या है वो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो वस्तु स्वरूप है, हमने व्यक्ति से पूछा कि वो हमें इमली के झोल के बिना चलता नहीं, खांसी भयंकर है, तो बोले के बंद करो, तो बोले कि नहीं नहीं मेरे से रोटी नहीं खिलती इमली के झोल के बिना, बोले खाओ कि नहीं मुझे तो उल्टी आएंगे इमली झोल नहीं पीऊंगा, तो तुम जानो हम क्या कहने लगे, तुम्हें अगर ऐसे ही रहना है तो और हम क्या करें, पर हमसे बात मत करना, भी अगर कठोर हो कलकता से तो ये कह देगी, और दूसरा कहेगा इमली का झोल बना, अरे खूब खाओ जो खाना है तुम खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारी जी गोली ले जाओ चार वो ले जाओ, अगली बार आओ 10 दिन बाद 100 रुपये फीस, फिर 200, फिर और वो इमली का झोल कितना, अरे आराम से खाओ खाओ पियो, अरे तुम बीमार बने रहोगे तो हमारा धंधा चलता रहेगा, ऐसे डॉक्टर होगे जो तो वो करेंगे, लेकिन जो हवाएं बेहद होगी मर जाओ कुछ नहीं, मेरी शकल देखने क्यों आए, मेरे पास क्यों आए, ऐसे बोलते यार, बोले होते कहीं जानते नहीं हम उनके भी, तो हमारे पास क्या आया जी बताओ, हमें पास क्यों लेके आए, जब इनको कुछ कर नहीं रही तो कि नहीं साहब ऐसा है तो ठीक है, बेचारे अपनी भाषा बोलते हो कई बार, हमारे जब तुम्हें दवा नहीं लेना है तुम्हें नहीं प्रवर्तन करना है तो हमसे क्यों पूछ रहे, मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी इमली के झोल में सील लगवा हुए आयो कि इतना हो रहा, घर में आके बोल दिया हमने, ए बेबा भैया क्या बोल रहे थे तुम, मैं बैद जी से पूछ के आया इमली का झोल ले सकता हूँ, अब बेचारा ये भी चुप हो गया, अब क्या करें, अब बैद जी ने कह दिया, लेकिन ये पता नहीं मारने वाला बैद था जिसने कह दिया कि नहीं, वो हमारे कुदेव के बिना और कुगुरु की मान्यता के बिना और हमारे घर के और बाबा है और काका है, तो बाबा काका को बाबा काका रहन दो, भगवान क्या बना रहे, देव सात गुरु क्यों बना रहे, अभी कहाँ चलेगा, कहाँ हमें खबर तो कहाँ चलेगा, जब बाबा और काका थे और घर के देव पूजे थे तब तो अनादर करो, अब पत्र रख रख के पूजा कर रहे,
तब तो बेचारे में पता चिल्ला चिल्ला के चले गए, बेटा मंदिर जाया करो। अरे वो थी बेटा थोड़ी सी अब हमारी भी ने खड़ी है, अब कब पैर छूत रहे तुम्हारे, हमसे नहीं छुबते, फिर पतरंग की पूछ रहे हो क्या? कहें जिंदगी भर उसको शिकार जी नहीं ले जाओगे, बाद में सोचोगे ये हड्डियों को दूरा वही है ना, इसको भी कहीं डालने का विधान, हड्डिया है ना उनको डालने का विधान है का मुर्दन के डालने की बातें करते हो कि नहीं, उनके गंगा में डाल दे तो अपने वो सोरी पर बटे सोरे बना ले इनको, कहो जाओ डालने से। ये मूर्खता की बातें हमें सुनने में आई है, इसलिए हम कह रहे हैं हाँ कि नहीं, हम माले जाए उससे हो क्या रहा है, माटी वही 48 मिनट के अंदर माटी में मिला दो बस खत्म, ये बिना है। और जब तक भी है तब तक उनको माटी में मत बैठने दो, चैतन्य में बैठने दो। अगर तुम ये है उनकी, उनने हमें जन्म दिया है तो अगर लौकिक कर्तव्य भी है तो उनको हम जन्म मरण से छुड़ा करके समाधि करा सकें, ये रखो। और समाधि अंत समय में नहीं, समाधि जीवन में कराई जाती है, यानी उनके परिणाम क्लेश रूप ना हो पाए हमारे व्यवहार से। ये उन्हें अपने माता पिता के समाधि में जीवन जीवाने का वो है, उनके क्लेश ना हो पाए, उन्हें धर्म ध्यान में चित्र लगा रहे। शरीर की तो मात्र सेवा ना करो, उनके आत्मा की भी सेवा करो। उन्हें जलाते ध्यान रखना, माता मिल गए, पिता मिल गए, भाई मिल गए, जिनवाणी मिल गए, ज्ञानी मिल गए, अपने पंडित जी मिल गए अपने बढ़िया, और अपन लाभ नहीं ले रहे हैं, मंदिर में नहीं आ रहे हैं, पुण्य जलाते न, ज्ञान मिल गए, समझ शक्ति मिल गई, तो भी हम जहां चाह दौड़े जा रहे हैं, चाह जा कर रहे हैं। ये अकला जब भाव आएगा हमारा तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये नियम सारा हमें समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ दूसरे को करता भी हमें बैठ नहीं पा रहा, पंडित जी भूल जाते हैं, पुण्य जलाया है हमने पहले। आज अब कभी के बोल हमको एक एक क्लियर हो गए, सबसे कठिन 49 गाथा मुक्त वक्त के बोल आते हैं ना, वो षड्द्रव्यात्मक विश्व के है उनसे न्यारे है, अगर हम न्यारा नहीं देख रहे पुण्य जला रहे भाई। प्रतीक बा में लगाना, मैंने थोड़ा कहा बहुत जाना, चिट्ठियों में रहता है कहां कहां, अगर हम बिना दान दिए पादा दान दिए बिना भोजन कर रहे हैं पुण्य जलाते हैं, और पुण्य में ही अटक गए तो पवित्रता को जलाते। समझ गए ना, उसी को धर्म मानकर उसी को सर्वस्व मानकर बैठ गए तो शुद्धोपयोग जलाते हैं। अब सुबह में बैठा है और भाई चैन मान रहा है तो जिन पूजा जला रहा है सुबह सुबह, और सोपयोग में ही संतुष्ट होकर बैठ गया तो परमात्मा बनने का जो शुद्धोपयोगी मार्ग था उसको जला दिया उसने। जितना अनुराग परमात्मा से है उससे अनंत गुणा अनुराग, जितना अनुराग लौकिक स्त्री पुत्र आदि से उस अनंत गुणा अनुराग परमात्मा से नहीं आता तो गृह मिथ्यात्व है, और जितना अनुराग परमात्मा से उस अनंत गुण अनुराग चैतन्य से नहीं आता तो अगृह मिथ्यात्व। भगवान के जब वहां से आए और भगवान को देखो तो हाँ मैं बच गया, कैसे भाग्य से आप आए, आपके पास गृहस्थ से पूछो, और कई बार हमारा बीमार और नाना शरीर हो जाए तब निकल के आप आते तो हमें लगता है भगवान ऐसे गृहस्थ कैसे आप आते होंगे, आज निकल के आप, ट्रेन छूट रही शिखर जी की, हमारा नियम बिना वाक्य तो हम जल भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते, तो कम से कम जल तो लुप जाएगा। तो भैया स्टेशन पर ट्रेन खड़ी, बोले गांव बास मंदिर है, फोन लगाया उन्होंने, वो नेट वेटन में सब पता चल जाता है कि जहाँ गांव में कोई मंदिर है, कि मंदिर था उसके अध्यक्ष का नंबर था, बोले भैया हमारे संग एक भैया जी हैं पंडित जी हैं उनको दर्शन हो जाए। अब हम बोले बोले तब तक ट्रेन 10-15 मिनट जो भी खड़ी रहती थी, अब वो आया, वो उसको भी बेचारे का अनुराग आ गया ले गया, हमने शुद्धि करी और दर्शन को, अब जो हम खड़े हो गए ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है जैसे बनो कोई को कैसे खींच के ले जा रहा है, मतलब हमारी पूजा ना हो तो हम तो उनकी आदमी की ऐसी वस्तु तो कुछ लाएगी नहीं, वही जल से चला लेंगे और क्या काम।
मतलब उस दिन याद आया कि भगवान कितने पुण्य से मिलती। तब तक वो लोग वो खींचे जा रहे हाँ छूटे जाते हुए, और अब तक देखो जल्दी कर दो जल्दी, हम कर लेंगे भैया मेरे दर्शन तो करा दो कम से कम अगर ऐसा है। अरे जल की चिंता नहीं है, आज बिना दर्शन के पूरा दिन चला जाएगा इसकी चिंता है। जल के बिना तो क्या है, अंत कई बार नहीं पिए ना नजदीती सागर नहीं कहा कचु सब चले आत्मा को कहा बिगड़ा है। तुम्हें जल की चिंता है, हमें भगवान के दर्शन की चिंता है। भैया भव्य वेदन करने वाले अगर नियम सार सही ले लें, अब विषय बदल गया तो बदल गया है। भव्य का वेदन करने वाले इन भगवान की वृत्ति यदि तुझे भक्ति नहीं है तो तू संसार के मध्य रहने वाले मगरमच्छ के मुख में, इसका ही कलश है नियम सार का, ये समझ लो। तुम कह रहे नियम के सार के सामने भक्ति सुना रहे हैं, अरे वे ही नियम सार लिखने वाले भक्ति कर रहा है। हे नाथ चाहे मैं देवेंद्रों के भवनों में हूं कहीं भी हूं, मुझे पर हे जिनेश्वर नाथ आपके पाद पंकज की भक्ति बनी रहे। समझ में आया कि नहीं आया, इसी ग्रंथ के कलशों में आइए वा हाँ 15। देखो आप कहोगे कि इसको उत्कृष्ट नियम सार उसके साथ में एक चर्चा भी है, कहाँ इसमें है। है देख लेना, श्लोक अभी देख नहीं पा रहा कि मैं जहां भी हूं प्रभु, एक श्लोक ही है, भाव वह का वेदन करने वाले इन भगवान के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं है तो तू संसार के मध्य रहने वाले मगरमच्छ के मुख में, लिखवाना वहां हाँ नियम सार कलश मंदिर का वन भाव वह का वेदन करने वाले, मैं कहीं हूं प्रभु आपके पास पंकज की भक्ति बनी है, विनय में लीन है आनंद उसमें लीन है, और फिर सात संगात मत्ता सात समय मग्न हो जाता है, अनेक गुण की मणियां उसको प्रकट हो जाती हैं, कहीं संकल्प नहीं रहे कहीं परमाणु मात्र अपना नहीं लगता, ऐसा जी मुक्ति सुंदरी का बल्लभ अवश्य होगा। विचार करना परमार्थ भक्ति व्यवहार भक्ति, अभक्ति को छोड़ना व्यवहार भक्ति में आना और व्यवहार भक्ति से परमार्थ भक्ति प्रगटाना। ओम नमः सिद्धेश्वर। शाम की बेला में